मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मरीजों को तुरंत एम्बुलेंस सहायता उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा में ओला और उबर की तरह सिस्टम तैयार किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट एम्बुलेंस का एक पुल बनाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर मरीज को नजदीकी एम्बुलेंस की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री मंगलवार को जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में पाली गाँव में एम्बुलेंस और दवाओं की कमी से संबंधित एक शिकायत पर दिशा निर्देश दे रहे थे। बैठक में 13 मामले रखे गए जिसमें से 10 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। कुल मिलाकर के 13 विषय रखे गए थे जिसमें 4 विषय तो पहले के जो चलते हुए आ रहे थे उनके ऊपर चर्चा हुई और 9 नए थे और इनमें से 3 विषय अगली कमेटी के लिए फिर से रखे गए हैं क्योंकि कुछ टाइम लग जाता है। कई बार सेटिस्फेक्शन कंप्लेंट की भी नहीं होती है तो हमें भी लगता है कि इस पर टाइम लगेगा तो 3 विषय आगे के लिए रखे गए थे और 10 विषयों का निर्णय ये सब किया गया है। उसमें पहला एक विषय था कि जो नई सीवरेज लाइन जो 3 माह के लिए पिछली बार ने कहा था इसको पूरा करें और उसके अंदर सारी योजना आगे की बन गई है। कब उसका यानी मेन रोल पावर जो है वो खड़े होंगे, कब उसकी सीवरेज लाइन बनेगी और वो सारे 3 महीने के टाइम पर हमारे FMDA के जो देख रहे हैं यहाँ काम DC जी उनकी देख रेख में नेशनल हाईवे ने भी और पावर डिपार्टमेंट ने भी और यहाँ का जो कॉर्पोरेशन भी उन्होंने सबने मिलकर योजना उसकी बनाई है और HFC पहले वहाँ के जो पानी खुला पानी है उसको टेम्पररी उसका पैसेज 2 दिन के अंदर अंदर उसकी सारी व्यवस्था कर देंगे ताकि आगरा कनाल में उस पानी को जब तक परमानेंट व्यवस्था नहीं होती 3 महीने तक तब तक उसको तोड़ डाले। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीटिंग के दौरान फरीदाबाद जिले के लोगों को एक बड़ा तोहफा भी दिया। उन्होंने सराय ख्वाजा के राजकीय स्कूल की जर्जर हालत और बच्चों की संख्या 6,000 से अधिक को देखते हुए स्कूल का नया भवन दोबारा तैयार करने और साथ लगती 1.66 एकड़ जमीन स्कूल को देने की घोषणा की। इसके लिए उन्होंने वर्ष 2001 में जमीन पर की गई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की प्लानिंग को भी रद्द करने के निर्देश दिए। जहां कॉलोनी में पीने के पानी की समस्या थी उसमें 700 मीटर में से डिपार्टमेंट ने कहा पूरा कर दिया लेकिन कंप्लेनर ने कहा कि उसमें 100-125 मीटर भी नहीं हुआ है। उसका हमारे जो MCF के हमने SC की ड्यूटी लगा दी है वो जाकर उसको देखेंगे। NHAI का एक राष्ट्रीय राजमार्ग YMC के सामने पोल को शिफ्ट करने का विषय है वो कल उसकी परमिशन दे देंगे। कई समय से 2 डिपार्टमेंट की उलझन में NHAI और हमारा पावर डिपार्टमेंट उलझा हुआ था तो उसका निर्णय किया तो कल परमिशन दे देंगे ताकि कंट्रैक्ट उस पोल को हटा दे, बाकी डिपार्टमेंट अपना लेने देने का मामला बाद में सॉल्व करते रहेंगे। सेक्टर 77 का प्लॉट अलॉट नहीं किया गया है, कोई जमीन जो है वो पोजिशन में नहीं ली थी और प्लॉट अलॉट कर दिए थे। कब्जा तो स्वाभाविक है, जब जमीनी कब्जा नहीं लिया गया तो प्लॉट कैसे वो कराएंगे, तो जमीन जो है कल उसका वो कब्जा ले लेगा डिपार्टमेंट 77 में और वो यानी जो जमीन के मालिक हैं वो जमीन को छोड़ने के लिए कोर्ट रोड में गए हैं, कोई स्टे है नहीं तो अल्टीमेटली मकान होगा उसका कब्जा लेकर के और उनको अलॉटमेंट कर दिया जाए। उस नाते से ये निर्णय उनको दे दिया। इसके साथ ही नगर निगम में शामिल गांवों में हाउस टैक्स के नोटिस भेजने के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि इन गांवों को शामिल होने के 5 साल तक हाउस टैक्स में छूट दी गई है। उन्होंने नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए कि वो इस छूट के लिए सॉफ्टवेयर में प्रावधान करें और ग्रामीणों को सूचना भेज कर बताएं कि आपको ये हाउस टैक्स नहीं भरना है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।